Hello to our YouTube कर लिया किस टीचर को फॉलो करे तो आज हम ये सभी बातें करेंगे सबसे पहले हम आते हैं कितने हुए मेरे पर सेक्शन में so सो ओवरऑल मेरे थे नाइनटी सिक्स मार्क्स ओके सो पर सेक्शन वाइज बात करेंगे रीजनिंग का पेपर इजी था ट्वेंटी वन थे इससे ज्यादा भी हो सकते थे कुछ अगर आप मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो अगर मेरे साथ क्या हुआ था जो लास्ट में एक पजल थी मैं एक पजल पे बनाया मेरे पास आठ मिनट बचे थे अबाउट मैंने सोचा ठीक है आठ मिनट है आठ छह से आठ मिनट थे एग्जैक्टली नहीं याद तो मैंने सोचा ठीक है हम पजल बनाएंगे पजल बन जाएगी इजी पजल है उसके रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन थे तीन क्वेश्चन थे पजल के रिलेटेड तो मैंने सोचा ठीक है थ्री मार्क्स और आ जाएंगे हमारे ट्वेंटी फोर हो जाएगी तो मैंने वो पजल पकड़ी पजल इस तरह की थी कुछ ऐसे पहले भी आपने शायद देखा होगा जिसपे उन्होंने कहा था सारे नंबर जो है उनको लगाया हुआ है ऑर्ड नंबर्स को आ, ऐसे ऑर्ड नंबर्स लगाए थे ट्वेंटी थ्री तक ऐसे ऑर्ड नंबर्स गए थे फिर उन्होंने एक वर्ड दिया हुआ था थ्री थ्री के नंबर के उसपे थ्री के मल्टीपल्स पे वो वर्ड आएगा एंड उसके बाद उसमें अरेंजमेंट दी थी सिंगल वेरिएबल का था बहुत ईजी पजल था लेकिन इसमें मेरे साथ गलती क्या हुई मैंने नहीं किया हुआ इस टाइप का पजल कभी मैंने नहीं देखा शायद तो वहां पर जो वर्ड उन्होंने गिवन वर्ड वर्ड दिया दिया था तो मैंने उसके साथ अब नॉर्मल को ऐसे ही लिख दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि वर्ड को अल्फाबेटिकली लगाना मैंने तीन चार पांच बार उसी पजल को बार 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 बनाती गई बट एक बार भी मेरे साथ ये नहीं हुआ कि मुझे दिखा वहां पर अल्फाबेटिकली लिखा है एग्जाम के बाद मुझे पता लगा कि वो तो अल्फाबेटिकली बनना था तो दैट्स वाई मेरे अटेम्प्ट वन रे रीजनिंग के अंदर ओके आई एम हैप्पी विद अटेम्प्ट्स इट्स ओके अगर नहीं भी बना बट हाँ, इतना बात याद रखना घड़ी मत देखना मैंने घड़ी देखी उसके बाद से मेरा क्वेश्चन ही नहीं बना उससे पहले मैंने बहुत मजे मजे पूरी रीजनिंग बनाई बहुत अच्छी रीजनिंग बनी इनपुट आउटपुट बहुत इजी था इनपुट आउटपुट में सिंपल ऐसे आए था वर्ड्स आए थे वर्ड्स को अरेंज किया था फर्स्ट स्टेप में आई रिमेंबर था उन्होंने vowels को चेंज नहीं किया था उन्होंने वर्ड का का कर दिया था जैसे है 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 तो 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 आ आ गया गया इस तरह किए थे और कुछ कुछ वर्ड्स जो थे वो रॉन्ग भी थे तो और कुछ कुछ वहां पर उन्होंने बोल्ड किए हुए थे जो कि रॉन्ग थे तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसा ही था भी, कौन सा रॉन्ग है वो बता दो तो उसके लिए तो मुझे सबसे पहले पूरी इनपुट आउटपुट ही बनानी पड़ेगी पैटर्न समझना पड़ेगा तभी मैं बना पाऊंगी तो मैंने पैटर्न समझा फर्स्ट इनपुट में यही था सेकंड में था उन्होंने आई uh, थिंक ने चेंज किए थे उन्होंने इस बार उनको चेंज कर दिया था वोवल्स को चेंज कर दिया था थर्ड वाल वाल वाले में उन्होंने मिडल वाला वर्ड ओमिट कर दिया मिडल वाला वर्ड चेंज किया था फोर्थ वाले में उन्होंने डबल वर्ड ओमिट किया था या शायद बॉबलिट ओमिट किया था फिफ्थ वाले में भी इन दोनों में से एक चीज की थी तो इस तरह का इनपुट आउटपुट था बहुत इनपुट आउटपुट था पूरा आराम से बन रहा था देन रीजनिंग बहुत बेसिक थे मेरी एक अच्छी आती है अजम्पन वाले क्वेश्चन में तो मैंने वो करे है, पूरे अटैम्प्ट किए मैंने सारे अटैम्प्ट किए बाकी से लॉग आया था रिवर्स से लॉग आया था बहुत ईजी था जल्दी जल्दी बन गया था तो रीजनिंग में ओवरऑल मेरे 21 ट्वेंटी हो गए और भी अच्छे हो सकते थे अगर थोड़ा सा

सब तो हमें, बहुत जल्दी होती है और हमें है बने। और जब एक क्वेश्चन फिर दूसरा नहीं बन रहा होता थोड़ा स्ट्रेस माइंड में आ जाता है तो मेरे साथ यही हुआ था स्टार्टिंग वाला ही मेरा क्वेश्चन वो था Q1 Q2 वाला था कंपैरिजन वाला था कौन सा बड़ा है ये वो तो मेरा स्टार्टिंग में ही बनने में प्रॉब्लम आ रही थी तो इसलिए मेरे को थोड़ी टेंशन हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है आपका क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा आप अच्छे मूड में रहते हो कि हाँ ये ठीक है मेरा बनना शुरू हो गया तो बनता रहता है क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है बाकी डीआई इजी थी जैसे मैं फॉलो करती हूँ अगर मैं अपनी बात करूँ आशीष सर को फॉलो करती हूँ अरोड़ा सर को तो उनकी जैसी डीआई होती है तो वैसी लेवल की ही डीआई आई थी उसी लेवल की आई थी ना उससे ऊपर आई थी ना उससे नीचे आई थी उस टाइप की डीआई आई थी जितनी वो मॉडरेट कैलकुलेशन करते ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम मैंने डीआई की थी उसमें एक आया था कंपनी ए कंपनी बी गिवन थी उनके एम्प्लॉयज पुराने गिवन थे देन न्यू एम्प्लॉयज से एड हुए वो गिवन थे एंड यहाँ पर मैंने टोटल एम्प्लॉयज लिखे थे ऐसे ही कंपनी बी का भी सेम डेटा था कुछ कुछ मिसिंग वैल्यू डी आई थी मतलब मिसिंग वैल्यू नहीं थी मतलब हमें जो डायरेक्ट डेटा दिया हुआ था वो हमने निकालना था डायरेक्ट डेटा इतना ज्यादा नहीं गिवन था काफी इक्वेशन बन जाती अगर जिसको नहीं थोड़ा सा था तो बन गई थी ऑल एंड ऑल डी आई मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मैं कुछ डेटा वही जल्दी जल्दी में गलत उठा रही थी कि उन्होंने बोला यहाँ पर टोटल का

और थोड़े फ्री माइंड से क्वेश्चंस को करें एक डीआई मेरी मेरे आराम से अटेम्प्ट हो सकती थी अगर मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ना लगाती है जो इम्प्लाइज वाला क्वेश्चन आया था इसमें इतना टाइम ना लगाती मैंने मेरे मैं को याद है मैंने तीन चार बार इस क्वेश्चन को फिर से बनाया है एंड पूरी कैलकुलेशन फिर से की है मेरे अबाउट दस मिनट इस क्वेश्चन में गए हैं मैंने बहुत टाइम इसमें वेस्ट कर दिया तो ऐसे ही एक नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आया था वही है घर पे हम बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो हमसे बहुत इजिली बन जाते हैं लेकिन पेपर में बनाते हैं तो हमें टाइम लगता है जैसे ए बी करके नंबर सीरीज ही थी यहाँ पर नंबर सीरीज ही थी यहाँ ए बी ही लिखा था को, कोई मतलब नंबर नहीं था ए बी लिखा था हमने इस ए और बी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना था और उस बेसिस पे आगे क्वेश्चन थे तीन चार क्वेश्चन थे ठीक है अगर आप इस पे दो मिनट भी लगा रहे हो नंबर सीरीज समझने में और आपके तीन चार क्वेश्चन बन रहे हैं तो इट्स वर्थ इट तो so, हो गया हमारा, then CIA, CIA, हमारे करंट अफेयर्स कुछ -कुछ जो लग रहे थे कि हाँ पढ़े हुए हैं लेकिन जिसका शोर नहीं थी मैं लेकिन एक अंदर से फीलिंग आ रही थी कि हाँ यही है तो टेन परसेंट आप लगा सकते हो मैंने टेन परसेंट ऐसे क्वेश्चन को माफ करा बाकी जिनका बिल्कुल आइडिया नहीं था जो बिल्कुल भी पढ़े ही नहीं लग रहे थे जो ऐसा लग रहा था ये है कौन से क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं जिंदगी में तो वो वाले वो क्वेश्चन तो छोड़ दिए थर्टी सी आई आई थी सी ए आई थी करंट अफेयर्स में से थर्टी क्वेश्चन थे तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं आप सीए ए कहाँ से करते हो तो आई फॉलो अफेयर क्लाउड अफेयर क्लाउड डेली बेसिस पे अफेयर क्लाउड करती हूँ मैं डेली बेसिस पे रीडिंग लेती हूँ अफेयर क्लाउड की डेली पीडीएफ्स की एंड आधे घंटे में हो जाती है अबाउट रीडिंग बच्चे कहीं सोचते हैं कि बहुत है, बहुत लंबी लंबी है है तो ऐसी लंबी नहीं होती है. मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं अफेयर क्लाउड की पीडीएफ किस तरह से रीड करनी है या आपको अफेयर क्लाउड या सीए के लिए कैसे फॉलो करना है उस तरह उस बात में बात करेंगे ठीक है तो ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी सी डिस्कस करेंगे सी को किस तरह से फॉलो करना है कितनी करनी है कैसे करनी है प्रैक्टिस कैसे करनी है और कहाँ से करनी है फाइन नेक्स्ट आ गया इंग्लिश इंग्लिश में मेरे कौन से क्वेश्चन ले लिया नए पैटर्न के ना कुछ क्वेश्चन आए थे इस बार मैंने पहली बार इस तरह के क्वेश्चन देखा है मैंने कभी नहीं देखा मैं परफेक्शन बैच भी अटेंड करती हूँ नमीशा मैम का मैंने कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा क्वेश्चन इस तरह का था एरर दिए थे दो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन थी ए एंड बी स्टेटमेंट आप कह लो ए एंड बी क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन गिवन थी थी और एक पर एक और एक एक पर स्टेटमेंट वो कहते थे कि ए एंड बी में बहुत सारे एरर है जैसे ये पार्टस है ना और ये बी के पार्ट है इनमें एक से ज्यादा एरर है लेकिन हमने एरर वो आइडेंटिफाई करना है जो दोनों में कॉमन है और कॉमन कौन सा एरर है जो ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया ना उसका तो मेरे समझ में जितना आया तो मुझे तो यही समझ आया जैसे अगर ऊपर वाले स्टेटमेंट है ऑफ का एरर है दैट ये एरर है तो ए और बी में भी किसी प्रेपोजिशन का ही एरर होगा अगर ऊपर हैज वाला एरर है इस तरह का एरर है तो नीचे वाली स्टेटमेंट में भी इस तरह का एरर होगा तो मेरे माइंड ने तो यही कहा कि इस तरह की ही चीज होगी हम मुझे मिले भी तो मैंने इस तरह से ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो ये मुझे न्यू पैटर्न दिखा मैंने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा किसी भी क्लास में या किसी भी उसमें मॉक टेस्ट में मुझे तो नहीं, दिखा। दिखा मतलब, नहीं आया था वही दो पैराग्राफ्स आए थे दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे फर्स्ट मेरे अबाउट छह मिनट रह गए थे मुझे लगा था शायद मैं एक ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर पाऊंगी मुझसे जितनी तेज हुआ मैंने रीड किया कॉम्प्रीहेंशन फटाफट आंसर मार्क किए एंड दो मिनट से भी कम थे डेढ़ मिनट आप लगा के चलो डेढ़ मिनट रह गया था मैंने फटाफट -फड़ सेकंड वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किया मुझे पता लग गया मुझसे नहीं होगा ये कंप्लीट लेकिन ऐसे जैसे ये बड़ा पैराग्राफ था एक ये पैराग्राफ है ये एक ये पैराग्राफ है एक ये पैराग्राफ है तो फर्स्ट वाले ही पैराग्राफ में यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक था फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन मैंने एक कर दिया देन उसके बाद एक वर्ड रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था कि इस जगह पे पेम मतलब वर्ड रिप्लेसमेंट नहीं वाला था क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन आया कि सिनोनिम इस जगह पे कौन सा आ सकता है तो सिनोनिम वाला मैंने क्वेश्चन कर लिया तो इस हिसाब से इसलिए मेरे इसके दो क्वेश्चन हो गए तभी मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट टू नहीं तो मेरे अटेम्प्ट जाते मैंने जल्दी जल्दी फटाफट जितना मुझसे हुआ मैंने वो चीज़ कर करती मेरे थर्टी टू अटैम्प्ट हो गए इंग्लिश में अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की डिस्क्रिप्टिव किस तरह का आया था इंग्लिश के अंदर तो डिस्क्रिप्टिव कोई इतना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया था हमें वही तीन ऑप्शंस मिली थी ऐसे राइटिंग में तीन ऑप्शन मिली थी मुझे लेटर राइटिंग में राइटिंग में मैंने किया जिसमें उन्होंने बोला था कि कि मेल और फीमेल्स की जो हम आजकल करते हैं ये रोल्स जो है मेल ओरिएंटेड है या ये रोल्स जो है फीमेल ओरिएंटेड है उसको खत्म करना है तो इस तरह का ऐसे आया था मैंने ये वाला ऐसे चूज किया था बिकॉज आई थॉट कि इस पर काफी कुछ लिखने वाला है क्योंकि आज की सोसाइटी में इस तरह की चीजें होती है कि हम मानते हैं कि हाँ भी घर के काम करने हैं तो दे आर बाउंड टू फीमेल्स की वो फीमेल्स ही करेगी एंड uh, कई लोग सोचते हैं कि ब्रेड विनर्स जो होते हैं फैमिली के वो मेल्स ही होते हैं तो इस तरह की चीजें मैंने ऐसे में लिखी प्रॉपरली तो ये ऐसे मेरा कंप्लीट हो गया टू सेवनटीन वर्ड्स का लिखा मुझे टाइम नहीं मिला ट्रिम करने का ऐसे को नहीं तो मैं थोड़ा सा कम करके इसको अबाउट टू हंड्रेड तक ले जाती टू थर्टीन टू टू सेवनटीन था मेरा एक्सैक्टली exactly मुझे भूल गया अब तो इतने का लिखा बाकी जो लेटर थी तीन लेटर्स आई थी एच आर को लिखनी थी आपको जॉब देने के लिए सेकेंड लेटर थी एक आपकी कंपनी में ट्रेनिंग पीरियड के लिए मतलब ट्रेनिंग देनी है आपने अपने डिपार्टमेंट में लोगों को तो उस बारे में लेटर थी तो मैंने ये वाली लेटर चूज की थी मुझे लगा ट्रेनिंग वाली लेटर ठीक रहेगी तो वो लेटर लिखी मैंने उसमें यही सब बातें लिखी कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ मैंने ऐसे अपनी तरफ से डिपार्टमेंट अपना बना दिया आई डिपार्टमेंट बना दिया देन प्रोग्रामिंग वगैरह के रिलेटेड मैंने उसमें चीजें करती कि मेरे डिपार्टमेंट में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है बाकी कंपनी में लोग बहुत आगे निकल गए हमारी ट्रेनिंग लोगों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो उनसे कोप अप कर सके और आज की टेक्नोलॉजी को मैच कर सके इस तरह की चीजें लिखी थी तो इंग्लिश का ये भी खत्म हो गया बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एस बी का इससे पहले मैंने मीन्स दिया था एस बी क्लर्क का जिसका मैंने आपको स्कोर कार्ड शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में अपने तो आई होप ये वाला रिजल्ट मेरा जल्दी अच्छा ही आएगा पी पॉजिटिव आएगा एंड जब भी रिजल्ट आएगा आई विल शेयर माई स्कोर कार्ड विद यू एंड आपको कोई भी क्वेरीज हो कुछ भी हो यू कैन कमेंट मी और यू कैन मेसेज मी ऑन टेलीग्राम थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहिए थैंक यू